खाएगा, पैसा बोलेगा तो दूध खाएगा, पैसा बोलेगा तो दूध खाएगा। ये तस्वीरें माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की है। दरअसल मंत्री जी एक सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, और पहुंचे क्यों थे, क्योंकि दो दिन पहले इस तरीके की खबरें सामने आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लूट लिया गया। इसकी गंभीरता को देखते हुए मंत्री जी अस्पताल में पहुंच जाते हैं, और जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहां पर एक युवक अपनी माता को भर्ती कराने के लिए ऑक्सीजन की मांग करता है। मंत्री जी से बात करते हुए वो शख्स मंत्री जी की तरफ उंगली कर देता है, और इस बात पर मंत्री जी का पारा चढ़ जाता है। फिर क्या होता है, इस रिपोर्ट में तस्वीरें मध्य प्रदेश की है, जहां पर केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ऑक्सीजन सिलेंडर लूटे जाने की घटना के बाद अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, और इस दौरान जो उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया होगा। अब आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल जिस अस्पताल में मंत्री जी पहुंचे थे वहां दो दिन पहले ही ऑक्सीजन सिलेंडर लूटे जाने की घटना सामने आई थी। इस दौरान मंत्री जी अस्पताल में पहुंचे तभी एक व्यक्ति ने अपनी कोविड संक्रमित मां के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग कर दी, और साथ ही एक गलती भी कर दी। अब गलती क्या थी, दरअसल जब दोनों के बीच बातचीत हो रही थी तो उस शख्स ने मंत्री जी की तरफ उंगली उठा दी, और इस बात से मंत्री जी का पारा चढ़ गया। और फिर देखिए मंत्री ने कैसे उससे उंगली नीचे करने का इशारा किया और कहा, ऐसे बोलेगा तो दो खाएगा, ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा, ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा, ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा। ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा, हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो व्यक्ति खाने को पड़ी है। बताओ क्या कर रहा, तो ठीक रखो, नहीं कोई मना कर रहा है तुमको? मना किया है सर, 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर, सिलेंडर बोलो 5 मिनट सिलेंडर चला, या तो मना कर, ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा, हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो व्यक्ति खाने को पड़ी है। बताओ क्या कर रहा, तो ठीक रखो, नहीं कोई मना कर रहा है तुमको? मना किया है सर, 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर, सिलेंडर बोलो 5 मिनट सिलेंडर चला। अब तो ये पूरा सिस्टम भी जानता है, और देश भी इस महामारी में, दिक्कत सरकार को भी है और जनता को भी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के दर्द को समझे, ना कि उनको इस तरीके से बीच सड़क पर अपमानित करे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।